पाठ आठ, प्रायश्चित। होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्र की गई थोड़ी बहुत लकड़ियां गांव के शिवालय के करीब खुले मैदान में शाम हो जाने पर होली में जलाई। आग की लपटें अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी। बच्चों के चेहरों पर इसलिए उत्साह नजर नहीं आ रहा था, गोपू ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपलों का ढेर लगा हुआ था। गोपू घर पर नहीं था, वो उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा ना था। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद हो आए। आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए भी उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपलों के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे। उसने अपने मन की बात मित्रों से कही तो सभी सहमत हो गए। गोपू की कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर न लगी। कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे तो कुछ एकत्र किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग को समर्पित करने में तल्लीन हो गए। तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने गाने लगे। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पी कर कुटिया के भीतर सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी। सोकर उठते ही मन बोला, फारा, आज ज्यादा उपले अगर बिक जाए तो अच्छे पैसे हाथ आ जाएंगे और पास के गांव जाकर वह भी अपने सगे संबंधियों के संग होली मना आएगा। वो नहा धोकर और चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बटोरने पिछवाड़े आया तो मैदान साफ नजर आया। वह बोला, हाय, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले यूं गायब कर दिए गए। वो सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा और ननू से गंगा यमुना बहाते हुए अपनी आपबीती सुनाने लगा। मुखिया जी बोले, तुम चिंता न करो, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। गोपू के घर से जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मन ही मन चोले, ये सारी करतूत जरूर गांव के इन शरारती बच्चों को ही है। वे बारी बारी से सबके घर पहुंचे और बच्चों के अभिभावकों से बोले, गरीब वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली को आग में झोंक आए हैं। किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम होली नहीं मनाना चाहते। आज दोपहर तक सभी बच्चे मिलकर उपले तैयार कर गोपू ग्वाले को दे आए, उसके पश्चात ही शाम होने से पहले ये होली खेल सकेंगे। उपले तैयार किए बगैर दोपहर से पूर्व कोई भी बालक होली खेलता नजर गा तो अभिभावक की प्रति बच्चे पर 100-100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सभी शरारती बच्चों ने गाय भैंसों का गोबर इधर उधर भटकते हुए इकट्ठा किया और सब धूप में खुली जगह पर उपले तैयार करने में जुट गए। खेल ही खेल में जो उपले होली में जला डाले गए थे, उन उपलों को बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है ये उन्हें ज्ञात हो गया था। दोपहर होते होते ढेर सारे उपले तैयार हो गए। मुखिया जी गोपू ग्वाले को कुटिया पर पहुंचकर बोले, गोपू भैया, बच्चों ने प्रायश्चित कर लिया है, तुम्हारे उपले इन सब ने पुनः तैयार कर दिए, वैर भाव को भुला दो, चलो इस बाल मंडली के संग हम भी होली खेलेंगे। कहते हुए मुखिया जी ने दुपट्टे में छिपाई हुई अबीर की पोटली निकाल बच्चों को थमा दी। गुलाल के बादल उड़ चले। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा।